और इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब और राजस्थान के बाद अब असम में भी कांग्रेस में खटपट शुरू हो गई। असम में कांग्रेस के विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। विधायक रूप ज्योति के निशाने पर सीधे सीधे राहुल गांधी। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के रहते कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। असम चुनाव में कांग्रेस ने यूडीएफ से समझौता किया था। विधायक रूप ज्योति के अनुसार तब उन्होंने इस चुनावी गठजोड़ का विरोध भी किया था। रूप ज्योति का आरोप है कि कांग्रेस में सिर्फ बुजुर्गों की सुनी जाती है। देखिए, पंजाब में, राजस्थान में, कांग्रेस में अंतर कलह जारी है। विरोध तो अब खुलकर बाहर आ रहा है। अब असम में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। असम में भी कांग्रेस में खटपट दिख रही है। कांग्रेस के विधायक रूप ज्योति कुर्मी पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं। उनका यह कहना है कि राहुल गांधी के रहते पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। सीधे सीधे निशाना राहुल गांधी पर। मैंने विधानसभा के अध्यक्ष जी से मिलेंगे, उनसे उनको पदत्याग पत्र, रेजिग्नेशन लेटर देंगे। कांग्रेस के लिए हम जितना लड़ाई किए, कांग्रेस को बचाने के लिए, कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, एक युवा पीढ़ी के विधायक के नाते हम बहुत किए मेरे ख्याल से। लेकिन कांग्रेस जो युवा पीढ़ी को आगे लेके जाना चाहिए था, जैसे कि सचिन पायलट जी का कांग्रेस छोड़ना, बीच में मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ना, फिर इसे अगर देखा जाए सारे हर देश में, हर हर अलग अलग प्रांत में, हो असम में अभी हाल ही में बहुत नेता कांग्रेस छोड़ दिए। अभी हम युवा एक विधायक होते हुए भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं, इसी कारण से कि कांग्रेस के जो हाईकमांड, जो दिल्ली में नेतागण हैं, जो दिसपुर गुवाहाटी में नेतागण हैं, सिर्फ बुजुर्ग लोग को ही प्राधान्यता दे रहे हैं, बुजुर्ग लोग से ही वो लोग सलाह ले रहे हैं। हम लोग ने बहुत बोला, इस बार कांग्रेस सरकार आने का बहुत संभावना है, ADF का साथ अलायंस करना नहीं है, और ADF के साथ अगर अलायंस करते तो हम लोग का बहुत बड़ा एक गलती होगा, वही हुआ। राहुल गांधी के ऊपर कुछ और ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। उनका खुद का जो क्षेत्र केरला, अगर वहाँ में हम लोग देखें, उनको लोग नहीं चाह रहे हैं। और जैसे जैसे संसद बन गए, लेकिन MLA अगर देखा जाए तो MLA जीता के इस बार विधानसभा में, केरला विधानसभा में, उनका खुद का विधानसभा में ही वो जीता के ला नहीं पाए, तो उनका ऊपर कोई भरोसा नहीं, वो नेतृत्व नहीं ले पा रहे। तो वही अगर अब कांग्रेस का नेतृत्व में रहेंगे, कांग्रेस के भी मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store. डाउनलोड इट नाउ।